दुर्गा पूजा बीत चुका है, अब दिवाली का त्योहार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस महीने की 27 तारीख यानी कि अक्टूबर 27 को दिवाली है। दिवाली में विशेष रूप से माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। कार्तिक माह के आरंभ से ही इस त्योहार की तैयारी होने लगती है। सुख समृद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति हर साल दीपावली पर अपने घर की साफ सफाई जरूर करता है, ताकि धन की देवी लक्ष्मी उनके घर में वास करें और उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर करें। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता है जहाँ पर गंदगी और अशुभ चीजें होती है। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद प्रिय है। ज्योतिषियों और वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपावली पर घर में टूटी फूटी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं दिवाली की साफ सफाई करते समय हमें किस किस सामान को घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटे हुए शीशे की चीजें। यदि आपके घर में किसी भी कोने में टूटा हुआ शीशा रखा है या फिर आपकी खिड़की में टूटे हुए शीशे लगे हैं, तो उसे तुरंत घर से बाहर करें और उसकी जगह नया शीशा लगवाएं। घर पर टूटा शीशा रखना अशुभ होता है। खराब इलेक्ट्रिकल सामान। यदि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल सामान खराब पड़ा है, तो उसे बनवा कर दोबारा इस्तेमाल में लें या फिर दिवाली से पहले घर से बाहर करना ना भूलें। खराब पड़े हुए बिजली के सामान आपके सेहत और सौभाग्य दोनों के लिए अशुभ साबित होते हैं। खंडित मूर्तियाँ। कभी भूल कर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए दिवाली से पहले ऐसी तस्वीरें और मूर्तियों को जरूर किसी पवित्र स्थान में ले जाकर दबा दें। छत के हिस्से को रखें साफ सुथरा। इस दिवाली से पहले घर की छत साफ करें और पहले से पड़े हुए कूड़ा कबार या प्रयोग में ना लाया जाने वाला सामान घर से बाहर कर दें। बंद पड़ी घड़ी को हटा दें। वास्तु के अनुसार घड़ी आपके प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक है। इसीलिए यदि आपके घर में खराब घड़ी है, तो उसे दिवाली से पहले जरूर घर से बाहर निकाल दें। पुराने पड़े जूते चप्पल। दिवाली के त्योहार से पहले घर की सफाई करते समय अपने पुराने जूते चप्पलों जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें घर से बाहर करना ना भूलें। फटे पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाते हैं। टूटे हुए बर्तन। कभी भी टूटे हुए बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिवाली आप ऐसे सभी बर्तन जिनका आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर टूटे हुए हैं, उन्हें घर से ज़रूर बाहर कर दें। ये घर में लड़ाई का कारण बन सकते हैं। टूटी हुई तस्वीरें। यदि घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो, तो उसे भी घर से बाहर कर दें। वास्तु के अनुसार टूटी हुई तस्वीरों से घर का वातावरण प्रभावित होता है। घर का फर्नीचर। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा फूटा फर्नीचर रखना अशुभ माना जाता है। घर का फर्नीचर एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट बुरा असर डालती है। टूटा हुआ दर्पण। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ दर्पण रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी दिवाली की साफ सफाई में जुट चुके हैं या सफाई शुरू करने जा रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखकर आप अपने घर की बाधाओं को दूर कर माँ लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई हुई ये तमाम जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी। अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए लाइव सिटीज एस्ट्रो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।